अभी सर एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, कितने में इसको जा रहा है, क्या इसका एफओबी प्राइस चल रहा है, ब्लैक जगरी का वो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो आयरन और कैल्शियम अच्छा होने के कारण लोग बाग चीनी जो होती शुगर उसको छोड़ते जा रहे हैं और ब्लैक जगरी, जगरी या ब्राउन शुगर के ऊपर आ रहे हैं। कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से ब्लैक जगरी को एक्सपोर्ट करके कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने, क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए बता इधर आइए, मैं दिखाता हूं इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूं, आइए आइए मेरे साथ में, आइए इधर से दिखाइए, ये देखिए। हाउ टू एक्सपोर्ट ब्लैक जगरी फ्रॉम इंडिया, भारत से ब्लैक जगरी काला गुड़ यानी गुड़ को जितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा पुराना गुड़ एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कैसे आप पुराने गुड़ को या ब्लैक जगरी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां एक्सपोर्ट करेंगे, कहां पे अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से ब्लैक गुड़ को, काले गुड़ को, ब्लैक जगरी को एक्सपोर्ट करके कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने, पूरा डिटेल स्टडी इसी वीडियो में आपके लिए लेके आऊं। ये वीडियो आप देखिए लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते हैं कि जब आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, तो आप फॉरेन करेंसी कमा के इंडिया में, भारत में लेके आते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ आपको इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स देती है। तो क्या इंसेंटिव और बेनिफिट मिल रहे आपको ब्लैक जगरी एक्सपोर्ट करने में, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है DBK ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो DBK आपको मिल रहा है 0.15%, 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। सेकंड बात करें तो IES आता है, यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तो आपको 3% मिलता है 3% का, और अगर आप MSME में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 0% मिलता है IES। अगर मैं RODDP की बात करूं, यानी रोड टेप यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो RODDP आपको मिल रहा है 0.5% ऑफ योर FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू जितना भी है उसका 0.5% मिल रहा है आपको RODDP। आगे बात करते हैं कि किस तरीके से आप 5 लाख रुपए कमाएंगे ब्लैक जगरी को एक्सपोर्ट करके। ये आप ध्यान से जरूर देखिए, जब आप इंडिया से, भारत से, हिंदुस्तान से ब्लैक जगरी खरीदते हैं तो वो आपको 40 से 50 रुपए पर केजी मिल जाता है। आप मैक्सिमम प्राइस भी लेके चलते 50 रुपए केजी, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का ब्लैक जगरी है, काला गुड़ है। सो आपने 25 टन मटेरियल खरीद लिया इसका, तो वो 12.5 लाख रुपए का आपका शिपमेंट रेडी हो जाता है। और 1 लाख रुपए हम हमेशा लिख लेते हैं जो हमारा चूटर मुटर खर्चे होते हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये 1 लाख रुपए हम लिख लेते हैं। और गवर्नमेंट के इसके कुछ बेनिफिट्स भी मिलने वाले हमें, जैसे RODDP या DBK मिलता है तो वो 0.65% के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सर रुपीज में बताइए, रुपीज में आपको बताऊं कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, 8,000 रुपए आपको मिलेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट्स इस कैलकुलेशन के हिसाब से। सर मेरा फाइनल बाइंग प्राइस क्या हुआ, आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो गया 12.5 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे आने वाले, माइनस 8,000 रुपीज जो आपके बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलने वाला है। तो टोटल अगर बात करें तो 13.41 लाख रुपीज का आपका हो जाता है, जो टोटल मेरा फाइनल बाइंग प्राइस हुआ। अभी सर एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, कितने में इसको जा रहा है, क्या इसका FOB प्राइस चल रहा है ब्लैक जगरी का, जो हमारी टेक्निकल टीम के सामने डाटा रिसर्च के दौरान आया है वैल्यू, तो वो 75 रुपीज से 100 रुपीज पर केजी तक चल रहा है। हम इसमें मिनिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि भाई आपने 50 रुपए खरीदा और 75 रुपीज का आपने बेच दिया, ओनली 25 रुपए के मार्जिन पे आपने बेचा है इसको, और एक कंटेनर आपका शिपमेंट हो गया तो वो 18.75 लाख रुपीज का आपका चला जाता है। सो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, सर आपका प्रॉफिट मार्जिन हुआ 18.75 लाख रुपीज माइनस 13.41 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 5.33 लाख रुपीज,
यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 5 लाख रुपए हर महीने आसानी से कमा सकता है अगर ब्लैक जिगरी को एक्सपोर्ट किया जाए सही कंट्री में। कौन सी है वो सही कंट्री सर? वो कौन कौन सी 5 कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है ब्लैक जिगरी? उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है हमारा प्यारा मित्र यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो यूएसए ने कितना खरीदा है ब्लैक जगरी लास्ट ईयर? 28,365 शिपमेंट्स खरीदे हैं। सेकंड आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया है। यूएई यानी जिसको आप दुबई के नाम से जानते हैं, तो दुबई ने यानी यूएई ने 10,645 शिपमेंट लास्ट ईयर हमसे खरीदे हैं। ये सबसे ज्यादा हम ही एक्सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 9,000 शिपमेंट खरीदे, मलेशिया ने 9,200 शिपमेंट खरीदे, यूके ने 7,600 शिपमेंट्स खरीदे। क्योंकि आपको पता है इसमें आयरन कंटेंट अच्छा होता है, सो आयरन और कैल्शियम अच्छा होने के कारण लोग बाग चीनी जो होती सुगर उसको छोड़ते जा रहे हैं और ब्लैक जगरी, जगरी या ब्राउन सुगर के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एचएस कोड की जरूरत पड़ेगी ना, सो ये 17 नंबर चैप्टर में आता है, 01 इसका सब चैप्टर है। सो ब्लैक जगरी एचएस कोड बन जाता है 17 यानी 1701 1400। अगर मैं बात करूं सर एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट के प्रोसेस में पहले आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना रहता है, फिर आपको बायर फाइंड करना रहता है। बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं वो सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। बायर फाइंड होने के बाद फिर आपको बायर को वेरीफाई करना है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, वो जो ट्रेनिंग में इनसाइड बातें आपको सिखाई हुई है वो सारी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। बायर को कैसे कन्विंस करना है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपकी जो यूएसपी रेडी कराई जाती है ट्रेनिंग में वो सारी आप यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर बायर से आप ले लीजिए पेमेंट और इसमें एडवांस पेमेंट भी मिल जाता है, और पेमेंट लेने के बाद कर दीजिए बीआरसी जो कि होता है आजकल ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो कि आजकल आने लगा, उसका भी एडवांस वर्जन IRMS यानी इनवर्ट रेमिटेंस मैसेज। आगे बात करते हैं कि वो टॉप 5 कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी है जिसके साथ हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। उससे पहले बता दूं कि इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगने वाली, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल खाने पीने की चीजें हैं तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर, इसमें तो अपेड़ा ही लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी है जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 5,900 रुपए देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आप सबसे ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर हैं। वी आर दी वर्ल्ड चैंपियन, वी आर दी हैविंग मैन मोनोपोली इन दिस प्रोडक्ट जगरी, ब्लैक जगरी, गुड़, सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एज पर वोल्या डाटा लास्ट ईयर भारत ने 1,10,208 शिपमेंट ब्लैक जगरी के एक्सपोर्ट किए हैं, तो आप भी एक्सपोर्ट करें और बनाइए भारत को नंबर 1। सेकंड नंबर पे श्रीलंका आता है, श्रीलंका ने ओनली 3,000 शिपमेंट किए, वियतनाम ने 700 शिपमेंट किए, चाइना ने 300 शिपमेंट किए, ओमान ने 160 शिपमेंट किए एक्सपोर्ट जगरी के। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहे वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप, देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।